तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मॉडर्न हाउस कैसे बनाना है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये हाउस बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए होगा व्हाइट कंक्रीट, ग्लास, ग्लास पेन, ओक वुड प्लैंक, ओक डोर, स्मूथ क्वार्ट्ज स्टेयर्स, और उसके अलावा इसके आप कुछ अल्टरनेट भी ले सकते हो, जैसे कि व्हाइट कंक्रीट की जगह स्मूथ क्वार्ट्ज का ब्लॉक या तो क्वार्ट्ज ब्लॉक ले सकते हो, ग्लास की जगह अलग कलर के या तो फिर अलग ग्लास पेन ले सकते हो, ओक वुड प्लैंक्स की जगह आप बच वुड प्लैंक्स का भी यूज कर सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ग्लास ले लेने हैं और यहाँ पे चार ग्लासेस लगा देने हैं। चार ग्लासेस लगाने के बाद आपको इसकी दो लेयर्स और बना देनी है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे डोर की फ्रेम बनानी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे तीन वुड प्लैंक्स यहाँ पे लगा देने हैं, उसके बाद दो वुड प्लैंक्स यहाँ पे लगा देने हैं और उसके बाद तीन वुड प्लैंक उसके ऐसे साइड में लगा देने हैं। तो दोस्तों, इतना हो जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ग्लासेस ले लेने हैं और जैसा हमने लेफ्ट साइड बनाया था, सेम टू सेम आपको इधर भी बना देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार ग्लासेस रखने हैं और उसके बाद उसके यहाँ पे दो लेयर्स बना देनी है। ग्लास पेन लग जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डोर ले लेना है और ये डोर आपको जो आपके हाउस के अंदर वाली साइड होगी उधर आना है और उधर से आपको लगा देना है। तो अब आपको वुड प्लैंक ले लेने हैं और इधर तीन वुड प्लैंक लगाने हैं और इसकी दूसरी साइड भी आपको तीन वुड प्लैंक्स लगा देने हैं। तो इसके बाद आप लोगों को हाउस की फ्रंट साइड में आ जाना है और व्हाइट कंक्रीट ले लेना है। उसके बाद तीन ब्लॉक्स आपको इधर लगा देने हैं और दूसरे तीन ब्लॉक उसके साइड में लगा देने हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दो ब्लॉक्स की लेयर वहां तक ले जानी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे 1 2 एक दो लगा दिए, इधर दो लगा दिए, ऐसे लगाते लगाते आपको लास्ट तक जाना है। अब आपको चार चार ब्लॉक्स यहाँ पे दोनों साइड लगा देने जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाए थे। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया तो उसको सही कर देते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे हाउस की फ्रंट साइड है वो कुछ इस तरह दिखने वाली है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर स्टेयर्स ले लेनी है और जो हाउस का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होगा उधर आ जाना है और इधर आपको यहाँ पे चार हाइट तक की स्टेयर्स लगा देनी है। तो स्टेयर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर व्हाइट कंक्रीट के ब्लॉक्स ले लेने हैं और इधर आपको 10 ब्लॉक्स लगा देने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे 10 ब्लॉक्स लग चुके। अब आपको यहाँ से इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा का ब्लॉक लग चुका है, तो सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं और इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। तो इसी के साथ जो हमारी छत की फ्रेम थी वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा व्हाइट कंक्रीट होगा उससे इसको पूरा का पूरा फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी छत यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको व्हाइट कंक्रीट लेना है और उसको जो हमारी स्टेयर्स है उसके पास आ जाना है और उधर हमें यहाँ पे चार ब्लॉक्स प्लेस कर देने हैं। यहाँ पर चार ब्लॉक प्लेस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी एक वॉल बना देनी है। तो वॉल कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दो ब्लॉक्स लगा देने हैं और उसके बाद जो हमारी छत के जितना भी हिस्सा बाकी है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे नीचे आके तीन ब्लॉक्स को यहाँ पर प्लेस कर देना है और उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे विंडो बनानी होगी। तो विंडो बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपको जो ये प्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं इन प्लैंक की लाइन में, मतलब कि इधर आपको तीन प्लैंक्स लगा देने हैं। यहाँ पे तीन प्लैंक्स लग जाने के बाद आपको इस तरफ आ जाना है और इधर भी आप लोगों को तीन प्लैंक्स लगा देने हैं। अब आप लोगों को ग्लासेस ले लेने हैं और जो ये प्लैंक है उनके बीच सारे के सारे ग्लासेस को लगा देना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट साइड वाला हिस्सा तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे पीछे की ओर आ जाना है और यहाँ पे आपको वुड प्लैंक ले लेने हैं और यहाँ पे वुड प्लैंक के तीन लेयर्स बना देनी है। अब जैसे आपने इधर बनाया सेम टू सेम आपको दूसरी साइड भी यहाँ पे तीन वुड प्लैंक की लेयर बना देनी है, जैसे मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम। तो अब आप लोगों को यहाँ पर ग्लासेस ले लेने हैं और जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है उधर आप लोगों को ग्लासेस लगा देने हैं।
तो ये हमारी बैक की साइड भी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारा 50% से भी ज़्यादा काम हो चुका है। अब ऊपर वाला फ्लोर बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि जो हमारा डोर है उसके बाजू वाली जो आपको ये लाइन दिख रही होगी, इधर सेम आपको ऊपर आ जाना है और इधर आपको यहाँ पे व्हाइट कॉन्क्रीट ले लेना है और इधर आपको 4 ब्लॉक्स लगा देने हैं। एंड इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे साइड में आ जाना है और इसको यहाँ पे एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देना है। इसको जो हमारी घर की लेंथ होगी, मतलब कि ये जो हमारा लास्ट ब्लॉक होता है उस ब्लॉक तक आप लोगों को यहाँ पे एक्सटेंड कर देना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बैक साइड में आ जाना है और इधर से भी आपको इसको एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक ज़्यादा लग गया था, सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं और इन दोनों को यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऊपर के जो फ्लोर की फ्रंट ये जो फ्रेम है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब इन दोनों को यहाँ पर हमें जॉइंट कर लेना है और इसको पूरा का पूरा फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सेकेंड फ्लोर की छत भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पर हमारी जो विंडो है उस टाइप का बनाने के लिए हमें यहाँ पर 3 वुड प्लैंक्स लगा देने होंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्लास ले लेना होगा और यहाँ पे 7 ग्लास ब्लॉक लगाने होंगे। तो यहाँ पे 7 ग्लास ब्लॉक हम यहाँ पे लगा देते हैं तो यहाँ पे एक ब्लॉक छूट जाएगा, तो इधर इसको छोड़ देना है और इधर से हमें इसको फिर से एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे सारे के सारे ग्लास ब्लॉक इधर भी लग चुके हैं। अब इधर भी सेम आपको ऐसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो एक लास्ट वाला ब्लॉक होगा उधर आपको ग्लास नहीं लगाना, उधर आपको वुड प्लैंक लगाने जैसे हमने सामने की ओर लगाए थे। तो अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे जितने भी ग्लासेस हैं उन सारे के सारे ग्लास यहाँ पे फिलअप कर देने होंगे। तो यहाँ पर हमारे ग्लासेस भी लग चुके हैं और इनकी लुक कुछ ऐसी आ रही है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट साइड में आ जाना है और हमारे जो ग्लास पेन है उनको ले लेना है और यहाँ पे इनको लगाना स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे जो हमारे ग्लासेस होंगे उनका रंग चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे ग्लास पेन का भी कलर चेंज करना होगा, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग ही लगेंगे कि जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो थीम है वो एक दूसरे से मैच हो सके। तो यहाँ पर हमारे ग्लास पेन भी लग चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है उसका डोर बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो वुड प्लैंक्स ले लेने होंगे और उन वुड प्लैंक को यहाँ पर हमें साइड में लगा देना होगा। यहाँ पे हमें 9 वुड प्लैंक्स लगा देने हैं। तो इस तरफ 9 वुड प्लैंक्स लगाने के बाद हमें सामने की भी और सेम टू सेम 9 वुड प्लैंक लगा देने हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे 2 ब्लॉक्स और लगा देने हैं। अब यहाँ पर 2 ब्लॉक लग जाने के बाद हमारा जो फ्रंट साइड है वो रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डोर लगा देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 डोर्स लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गई है, हमें यहाँ पे बाहर की ओर 2 डोर्स नहीं लगाने, हमें अंदर की ओर से लगाने कि जिसकी वजह से इसका लुक कुछ अच्छा आ सके। तो यहाँ पर हमें डोर्स भी लग चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा फ्लोर था वो भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उधर आ जाना है, उधर आपको यहाँ पे अंदर आ जाना है और अब हमें इसका फ्लोर बनाना होगा। तो फ्लोर बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे व्हाइट कॉन्क्रीट का यूज़ करना है और उसको इवन जो हमारे ये ग्लास ब्लॉक्स दिख रहे उसके नीचे भी लगाना होगा कि जिसकी वजह से हमारा घर का लुक अच्छा आ सके। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हमारी जो स्टेयर है उसको मैं सही से ढक देता हूँ कि जिसकी वजह से हमारे जो घर का लुक है वो इसकी वजह से ख़राब ना हो। तो अब मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लोर चेंज कर देता हूँ और इसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा फ्लोर चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हमारा जो घर का आगे का लुक है वो थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लीव्स लगा देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लीफ ले लेता हूँ। अब इधर आप किसी भी तरह की लीफ यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ओक प्लैंक्स लगाए हुए तो इसलिए मैं यहाँ पे ओक लीव्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उनको यहाँ पे लगा देते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने एक बात नोटिस भी की होगी कि मैंने इसका इंटीरियर डिज़ाइन नहीं करा हुआ। अगर इंटीरियर डिज़ाइन करता तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। तो अगर आप लोगों को इसका इंटीरियर डिज़ाइन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, अगर हो सकेगा तो इस थर्सडे तक मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। और उसके अलावा आप लोग इसका लुक देख सकते हो, इसके साथ हमारा पूरा का पूरा जो घर है वो रेडी हो चुका है। अब आपने जो आगे के सिनेमेटिक शॉट्स में देखा था तो इसका जो थोड़ा टेक्सचर बदला हुआ था तो मैंने यहाँ पे टेक्सचर पैक भी ऐड करा हुआ है, तो मैं उसमें भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टेक्सचर पैक ऐड कर दिया और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वुड प्लैंक का जो पूरा का पूरा लुक है वो पूरा चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन सब लोगों के पास टेक्सचर पैक नहीं होते, तो इसीलिए मैंने वो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल नॉर्मल वीडियो में ही बनाया हुआ, टेक्सचर के साथ नहीं बनाया हुआ। अगर आप चाहो तो ये टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर, मैं कॉमेंट के अंदर आप लोगों को इसका नाम भी बता दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने
दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और जल्दी से जल्दी 8000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।